हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक इन्फो स्मार्ट में आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ के बारे में मैथ में एज के बारे में पढ़ेंगे जो भी एज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं छोटी छोटी सीरीज में चलाऊंगा और आप लोग को बेसिक से बताऊंगा फ्रेंड्स साथ ही साथ मैं एक जानकारी और देना चाहूँगा हम लोग यहाँ पर एक्स नहीं मानेंगे हम लोग एक्स वहीं मानेंगे जहाँ पर ज़रूरत होगी कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे यहाँ पर और बहुत ही बेसिक जा करके हमको सीखना है मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारे प्रैक्टिकल करने से आता है अगर हम लोग उसको प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा मैं आपको क्वेश्चंस करवा दे रहा हूँ आप इसको बार बार लगाइए कम से कम पाँच बार आपको लगाना है एक वीडियो कम से कम आप पाँच बार देखिए पांच बार लगाइए आप वीडियो नहीं देखना चाह रहे हैं आप इसको स्क्रीन शॉट ले लगाइए लेकिन कम से कम पाँच बार लगाइए और इसको समझने का प्रयास करिए ये आपके लाइफ से हमारे लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं बस थोड़ा सा समझना होता है डीपली जा के आप मैथ से जितना भागेंगे उतना ही ये आपको दिक्कत देगी उतना ही आपको प्रॉब्लम होगी इसमें आप भागी मत इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन है पिछले वर्ष पल्लवी और ऋचा की आयु का अनुपात फोर इस टू थ्री था यानी कि चार अनुपातें तीन था ठीक है और अगले वर्ष इनकी आयु का अनुपात पाँच अनुपात चार हो जाएगा इनके वर्तमान आयु का योगफल क्या होगा अब देखिए मान लीजिए फ्रेंड्स आप आप मैं अभी आपके बारे में सिर्फ बात कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए इस क्वेश्चन को ठीक है मान लीजिए आपकी एज आज आज वर्तमान 2021 चल रहा है ठीक है जो भी ईयर चल रहा है 2021 चल रहा है मान लीजिए आपकी एज इस जगह पे 2021 में फ्रेंड्स थोड़ा सा मैनेज करिएगा क्योंकि इसमें जो है पेन की कुछ प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा सा मैनेज करिएगा प्लीज़ तो यहाँ पर मान लीजिए 2021 में जो आपकी एज है ठीक है 2021 में जो आपकी एज है इस जगह पे आप हैं ठीक है थीके? आप इस जगह पे हैं अब अगर आपसे कोई बोल दे कि एक वर्ष पहले एक वर्ष पहले की आपके एज के एक वर्ष पहले की कोई बात कर दे तो आप एक वर्ष इधर जाएंगे और अगर आपसे एक वर्ष बाद की बात नहीं अगले वर्ष का मतलब क्या होता है आप जिस वर्ष में हैं उस वर्ष हाथ साथ आप इस साइड की बात कर रहे हैं ठीक है यानी कि आगे की बात कर रहे हैं आप तो आप एक बात देखिए अगर अंतर पूछा जाए तो दो साल का अंतर होगा कि नहीं होगा आप एक बार अपने रियल लाइफ में जा कर के इन चीज़ों को सोच के देखिए क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा देखिए आप आपकी एज ये थी दो हज़ार इक्कीस में आपसे पूछा गया एक साल पहले आप इतने साल के थे जो भी साल रहा हो ठीक है इक्कीस साल बाईस साल जो भी रहा हो आपको बोला गया कि आप इक्कीस साल आप जो है दो हज़ार इक्कीस में इतने साल के हैं तो एक साल पहले आप इतने साल के थे मान लीजिए मैंने बोल दिया ठीक है अभी आप मान लीजिए दस साल के हैं यहाँ पे ठीक है आपसे बोल दिया गया कि एक साल पहले आप ग्यारह साल के थे और एक साल बाद यानी कि एक साल बाद जो है आप कितने साल के होंगे तो आप कैसे करेंगे आप बताइए आप ये देखेंगे सॉरी फ्रेंड्स ये आप मान लीजिए एक साल पहले आप नौ साल के थे ठीक है यहाँ पर ये नाइन आएगा मिनट ये आप यहाँ पर नाइन के थे ठीक है अब अगर आपसे पूछ लिया जाए इस जगह से इस जगह से ये आपको एज पता है ये भी एज पता है अगर आपसे पूछा जाए एक साल बाद की अपनी एज बताइए आप तो क्या बताएंगे आप यही करेंगे ना कि इसमें जो है वन प्लस कर देंगे तो आपकी जो एज आएगी वो एलेवन आ जाएगी यही तो आएगा ना तो आपको ऐसे ही सोचना है अभी मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रहा हूँ देखिए कैसे करना है इसको हटा देते हैं ये हैं ये पल्लवी हैं और ये हैं रिचा ठीक है अब ये कह रहे हैं कि इनका जो एक वर्ष पहले की बात हो रही ठीक है एक वर्ष पहले की पल्लवी और ऋचा की जो अनुपात है वो फोर एस टू थ्री ध्यान दीजिएगा ठीक है ये हो जाएगा इसका अब ये कह रहा है अगले वर्ष अगले वर्ष मतलब ये चीज़ यहाँ पे ये मान लीजिए वर्तमान रहा होगा ठीक है ये वर्तमान रहा होगा अब इसको थोड़ा सा छोटा करके लिखते हैं क्योंकि बहुत बड़ा हो जा रहा है इस जगह से हम लोग करेंगे यहाँ पर ये P हो गया और ये R हो गया ठीक है इसके बाद में यहाँ पर ये ये मान लीजिए ये आपका ये वर्तना वर्तमान की लाइन हो गई ठीक है ये प्रेजेंट का हो गया ठीक ये यहाँ पर ये आ, इनका रेशियो ये हो गया उसके बाद बोल रहा है अगले वर्ष इनकी आयु का अनुपात फाइव इस टू फोर यानी कि पाँच अनुपात चार हो जाएगा ठीक है यानी कि ये यहाँ पर पाँच हो जाएगा और ये चार हो जाएगा ठीक है अब आगे देखिए इनके वर्तमान आयु का योग फल क्या होगा अब देखिए अगर अब देखा जाए तो ये इधर हो गया एक साल ठीक है एक साल यहाँ से इधर हो गया तो इनका जो अंतर है वो दो साल का आया कि नहीं आया मतलब वर्तमान से एक साल इधर और एक साल इधर दो साल का अंतर हो गया यहाँ पर जो है हम वर्ष कर देंगे ठीक ये दो वर्ष हो जाएगा यानी यह कि यहाँ का यहाँ से यहाँ तक का अंतर दो वर्ष का हो गया हो गया ठीक है आप देखिए इसको हटा देते हैं अब हमें आ, क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले मुझे अंतर देखना होता है अब रेशियो मैंने देख लिया अब इसका रेशियो देखो आपने क्या किया ईयर का तो अंतर देख लिया ना ये अंतर कि यहाँ से एक साल ऊपर और एक साल इधर मतलब एक साल पहले और एक साल बाद जब आपने दोनों देखा तो दो साल का अंतर आ गया ये दो आपने यहाँ लिख लिया ठीक है यहाँ पे अब क्या करना है अब आपको रेशियो का डिफरेंस देखना है आपको रेशियो का डिफरेंस देखना है जितने भी एज के क्वेश्चंस आएंगे मैं जिस टाइप से बता रहा हूँ एक्स किसी भी क्वेश्चंस में नहीं मानना पड़ेगा हाँ एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल केसेस हैं किसी किसी में आपको मानना पड़ेगा मैं मैं आपको इसी में बताऊँगा मैं ऐसे क्वेश्चन को इसी में बताऊँगा अभी आप जो है वीडियो देखते रहिए और ध्यान से समझ समझते रहिए बहुत ध्यान समझना है और इसको आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लीजिए ये अपने ऊपर लीजिए कि आप वर्तमान में इतने साल के हो यहाँ पर एक कैसे अंतर हो जाएगा ठीक इस तरीके से अब देखिए तीन और चार का अंतर जो है वो एक साल का है यहाँ भी देखिए चार और पाँच का अंतर एक साल का है यहाँ अंतर दे रहा है एक साल का यहाँ अंतर दे रहा है दो साल का ठीक है तो एक बराबर कितने का हो जाएगा दो साल के हो जाएगा नहीं हो जाएगा एक बराबर जो है वो दो के बराबर हो जाएगा ये वैल्यू एज के जितने क्वेश्चन आपको निकालना है हमेशा क्वेश्चन में यही देखिएगा कि जो भी वर्ष दिया है जो एक्चुअल वर्ष दिया है उसका अंतर और रेशियो का अंतर बराबर होना चाहिए बस ये देखना है आपको हमेशा ये चीज़ देखिएगा मतलब ये अंतर और ये अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए अगर ये अंतर बराबर नहीं है तो मैं अभी आपको बता देता हूँ किस तरीके से बराबर करना होता है ठीक है अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक बराबर दो किया गया तो अब दो का मल्टीप्लाई अगर आप इसमें कर देते हैं ठीक है अभी देखिए मैं जो बोल रहा हूँ इसी तरीके से आपको भी क्वेश्चन करना है ये विशेष रूप से ध्यान दिखे दीजिएगा आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको अपने माउथ से अपने मुंह से वो क्वेश्चन ऐसे बोलते रहना जैसे मैं बोल रहा हूँ कि रेशियो का अंतर एक आया क्वेश्चन का अंतर दो साल का आया तो एक बराबर दो की हो गया ठीक है एक बराबर दो के हो गया तो दो बराबर दो ए, चार बराबर कितने का हो जाएगा तो इसका जो है जब एक बराबर दो के हो जाएगा तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए ठीक है तो यहाँ पर ये हो जाएगा आठ और ये हो जाएगा सिक्स और ये हो जाएगा टेन और ये हो जाएगा एट ठीक है आप पूछ क्या रहा है ये उनके वर्तमान आयु का योगफल अब एक बात बताइए ये आपका वर्तमान था ठीक है ये वर्तमान था मतलब ये पल्लवी और ऋचा का वर्तमान ये था ठीक है अब जो है यहाँ से एक साल आगे आया था ना भाई एक साल पहले की बात हो रही थी एक साल बाद की बात हो रही थी तो अगर आप इसमें से दस से एक माइनस कर देंगे तो ये नाइन हो जाएगा यानी कि एक साल पहले एक साल पहले की बात इधर हुई एक साल बाद की, बात साल बात की इधर बात हुई तो अगर आप ये बाद वाली बात है मान लीजिए आप दस साल के हो ठीक है आपसे बोला गया एक साल पहले आप नौ साल के थे और जो है एक साल बाद आप ग्यारह साल के हो जाएंगे तो अगर आपसे बोला जाए आप बताइए कि वर्तमान में कितने साल के होंगे आप तो आप यही करेंगे ना कि ग्यारह साल से एक माइनस करेंगे तो दस पहुंच जाएंगे और अगर आपसे बोला जाए कि नहीं पिछले वाले ईयर से बताइए तो नौ साल के थे उसमें आप एक प्लस कर देंगे तब आप वर्तमान में पहुँच जाएंगे यही करेंगे ना तो देखो यहाँ पर ये दस हो गया ये दस हो गया ये आठ हो गया इसमें से एक माइनस किया आपने नौ साल वर्तमान का हो गया इसमें से आप जब एक माइनस करेंगे जब इसमें से आप एक माइनस करेंगे तो ये सात हो जाएगा तो यानी कि वर्तमान जो आएगा जो वर्तमान आएगा वो ये आएगा और इनको दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो नौ सात सोलह आ जाएगा यानी कि इनके दोनों का जो योग होगा वो सोलह वर्ष हो जाएगा ठीक है तो इस इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सिक्सटीन ईयर इन दोनों का आ जाएगा फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है आप जो है जैसे मैं कुछ भी इसमें आपको लगता है कि नहीं मैंने ऐसा किया हुआ है और और ऐसा होना चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए जिससे कि मैं उसको जो है इम्प्रूमेंट कर सकूं और आपको बता सकूं ठीक है और थोड़ा सा अभी पेन की प्रॉब्लम चल रही है और जैसे ही और इससे भी अच्छी मैं आपको इससे भी अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करूंगा आप जो है चैनल पर बने रहें यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको जो है वीडियोज़ मिलती रहे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ए और बी की वर्तमान आयु में थ्री इज टू टू का अनुपात है यानी कि तीन अनुपातें दो अनुपात है और पाँच वर्ष बाद यह आठ से आठ अनुपातें सात हो जाएगा इनकी आयु का योगफल क्या होगा ठीक है यानी कि जो है इनका वर्तमान ए और बी हैं देखिए यहाँ पर या सेम वैसे ही करना जैसे आपने उसमें किया इसमें भी वैसे ही करना है ये तो उससे भी आसान है लेकिन आपको अंतर देखना है ठीक है मैं अंतर अभी बराबर करने का तरीका लास्ट में बता दूंगा कि कैसे आपको बराबर करना होता है ये मैं पहले बता देता हूँ चलो ठीक है यहाँ पर मान लीजिए ये तीन दिया हुआ है ये दो दिया हुआ है ठीक है यहाँ पर आठ दिया हुआ है और मान लीजिए यहाँ पर छः दे दिया ठीक है अब देखिए यहाँ का डिफरेंस जो आ रहा है वो चार आ रहा है और यहाँ का जो आ रहा है वो पाँच आ रहा है ठीक है अब इनको क्या कर दें कि बराबर हो जाए तो इसका डिफरेंस करना है यहाँ का डिफरेंस ये दो हो जाएगा और इस दो का मल्टीप्लाई इसमें इस और इसमें दोनों में कर देना है यानी कि दो का जब मल्टीप्लाई तीन में करेंगे तो ये सिक्स हो जाएगा और इसका जब इस वाले दो में करेंगे तो ये चार हो जाएगा ठीक है अब इनका जो अंतर होगा इनका दोनों का ध्यान दीजिएगा ये तीन और दो का जो अंतर होगा एक का अंतर होगा एक का मल्टीप्लाई आपको आठ में कर देना है और एक जो अंतर आ रहा है जो अंतर ही आया है इसका मल्टीप्लाई आपको छः में कर देना है तो यहाँ पर सिक्स आ गया देखिए अब अंतर बराबर हो गया यहाँ पर भी दो हो गया और यहाँ पर भी दो का अंतर हो गया ठीक है तो इस तरीके से बराबर करते हैं ध्यान रखिएगा जब बराबर करेंगे जब ऐसा कोई केस आ जाए बराबर करने का तो ये वाला हमेशा कट जाएगा हमेशा इसी को लिया जाएगा इसी पे फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका ठीक है ठीक है दोस्तों देखते हैं फिर आगे कैसे कर करना ये वाला क्वेश्चन इसमें जो है देखिए इसमें लिखा हुआ है ए और बी की वर्तमान आयु ये ए हैं ये बी हैं ये तीन और ये दो और ये कह रहा है कि पाँच वर्ष बाद यहाँ से यहाँ का अंतर जो है पाँच वर्ष बाद आठ से सात हो जा रहे हैं ये ठीक है अब देखिए इनका अंतर यहाँ पर पाँच का इसका अंतर यहाँ पर पाँच का ठीक है इनकी आयु का योगफल पूछ रहा है यहाँ पर अंतर पाँच का यहाँ पर अंतर पाँच का यानी कि पाँच बराबर पाँच के तो एक बराबर एक के हो जाएगा ठीक है यानी कि एक का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे एक का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ठीक है तो ये तीन से तीन आएगा और प्लस ये दो हो जाएगा तो यानी कि जो इनका योगफल होगा वो पाँच वर्ष हो जाएगा ठीक है इस तरीके से आपको करना है ध्यान दीजिएगा एज चाहे वो दस साल पहले की बात करे या वो पंद्रह साल बाद की बात करे एज हमेशा दो व्यक्ति हो चार व्यक्ति हो उनका जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होता है वो चाहे जितने साल पहले का बोले या जो है चाहे जितने साल बाद का बोले जैसे मान लीजिए आपकी आय और आपके भाई की आय मान लीजिए आप आज ग्यारह साल के हैं और आपका जो भाई है वो छोटा है वो दस साल का है ठीक है भाई एक साल का अंतर है दोनों में अगर आपसे पूछा जाए बताइए दस साल बाद आपके दोनों में दोनों के एज में क्या अंतर होगा तो भाई अंतर तो सेम होगा ना हम कह रहे हैं आज के दस साल के बाद जब आप होंगे तो आप इक्कीस साल के हो जाएंगे तो आपका भाई आपसे एक साल छोटा होगा फिर भी एक साल छोटा होगा यही तो होगा तो कहने का मतलब यही है कि जो एज होती है उसका अंतर हमेशा और हमेशा डिफरेंस हमेशा सेम होता है हर साल सेम होता है प्रत्येक ईयर सेम होता है ये आप ध्यान दीजिएगा एक्स मानने की कोई ज़रूरत नहीं है आप दो तीन बार इसको प्रैक्टिस करिए आप जो है इतना बढ़िया से आपको आ जाएगा कि आपको फिर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके मैं तो बता रहा हूँ ना इतना करना पड़ रहा है इतना भी नहीं करना होगा आपका आंसर आ जाएगा ठीक है तो दूसरे का ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर फाइव हो जाएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स आप कमेंट ज़रूर करिएगा प्लीज़ कमेंट करिएगा जिससे कि मैं देख सकूं कि अगर हो सकता है कि मेरे से भी कोई गलती हो तो आप लोग उसको थोड़ा सा बताएंगे मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा ठीक है तो इसमें थोड़ा पेन का इश्यू है तो इसको थोड़ा मैनेज करिएगा दोस्त आगे देखते हैं हम लोग इसमें लिखा हुआ है दस वर्ष पूर्व दीपिका और प्रशांत की आयु में छः अनुपात पाँच का अनुपात है ठीक है यानी कि इनका जो रेशियो है वो सिक्स इस टू फाइव है यदि वर्तमान यदि उनकी वर्तमान आयु में सेवन इज टू सिक्स का अनुपात हो तो दस दस वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कर्मश होगा आप देखिए यहाँ पर जो है सेम ऐसे करना है यहाँ पर आप लिखिए दीपिका ये दीपिका हो गई और ये हो गए प्रशांत ठीक है ये कह रही है यदि उनकी वर्तमान आयु ये है और लेकिन उनका देखिए आप देखिए यहाँ पर जो ये इस जगह की बात कर रहा है ये देखिए ध्यान से यहाँ के जो यहाँ के ये पहले की बात कर रहा है ये ध्यान दीजिएगा पहले की दस साल पहले की बात कर रहा है ठीक है दस साल पहले की इनका जो इनका जो रेशियो था वो सिक्स इजू फाइव था ठीक है ये हो गया ये देखिए ये वर्तमान मानो यहाँ पे है यहाँ पे कोई वर्तमान था ठीक है ये अब जो है वर्तमान यहाँ पे दिया हुआ है देखिए ये रेशियो यहाँ पे ये दिया हुआ है वर्तमान का कह रहा है ना ये ठीक है ये देखिए वर्तमान दिया हुआ है तो आप जो है ये फाइव हो जाएगा और यहाँ पर सिक्स सेवन हो जाएगा ये सिक्स हो जाएगा ठीक है आप देखिए ये वर्तमान है और ये कह रहा है दस वर्ष पहले ठीक है यानी कि वर्तमान से ये जो इनका डिफरेंस है ईयर का वो दस साल का दिया हुआ है क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है ठीक है आप ये दस साल बाद का पूछ रहा मतलब यहाँ से इधर दस साल आना होगा ये ध्यान दीजिएगा और ये दस साल पहले की दी हुई है तो आपको करना है क्या है आपको फिर डिफरेंस देखना है डिफरेंस हमेशा बराबर होना चाहिए इसका भी देखो एक है बराबर करने का भी मैंने तरीका आपको बता दिया है आप ये नहीं कह सकते आप मैंने बताया नहीं मैंने बता दिया है बहुत ध्यान से आप उसको प्रैक्टिस करिए मैथ सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैथ बिल्कुल भी टफ़ नहीं है आप सारे सब्जेक्ट को एक किनारे कर दीजिए आप मात्र दस दिन पढ़ के एक लेसन को दस दिन पढ़ के देख लीजिए आपके अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाएगा और वो जो आप लेसन पढ़ेंगे दस दिन उसमें आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा ठीक है आप देखते हैं यहाँ पर अंतर ये आ गया यहाँ पर भी डिफरेंस जो है वन का आ जाएगा यानी कि जो डिफरेंस आया वन बराबर टेन के आ जाएगा ठीक है वन बराबर टेन के आ जाएगा तो ये सिक्सट ईयर हो जाएगा और ये फिफ्टी ईयर हो जाएगा लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है यहाँ पूछ रहा है अनुपात हो तो दस वर्ष बाद तो हमको इसको इसके वो दस वर्ष पहले के निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है हमको जो निकालना है वो वर्तमान निकाल लें और वर्तमान में ये दस साल जोड़ दें ये वाला दस साल जो पूछ रहा है बाद का पूछ रहा है तो वर्तमान मान लीजिए आज आप आँ, इक्कीस साल के हैं अगर आज इक्कीस साल के हैं आप तो दस वर्ष बाद के पूछ रहा है तो आप इक्कीस में दस ऐड कर देंगे है ना तो वही हम लोग कर लेते हैं भाई एक बराबर दस क्या गया क्योंकि यहाँ पर जो रेशियो का अंतर था वो एक का था और यहाँ पर क्वेश्चन में जो अंतर दिया वो दस वर्ष का था तो अब एक काम करेंगे एक बराबर दस के तो सेवन बराबर कितने हो जाएगा ये हो जाएगा सेवन के ठीक है उसके बाद में एक बराबर टेन के तो सिक्स बराबर कितने के हो जाएगा टीक के अब ये दस जो है ये हमारा वर्तमान का था ये ध्यान देना है आपको ये वर्तमान का था अब जब ये वर्तमान का था इसमें दस साल ऐड करना है तो अगर आप सत्तर में दस जोड़ देंगे तब दस साल बाद की एज आ जाएगी है ना अब जो है तब ये अस्सी हो जाएगा ये अस्सी हो जाएगा और जब सिक्सटी में आप टेन जोड़ेंगे तो ये सेवेंटी हो जाएगा अब यहाँ से काट दीजिए एक ज़ीरो से एक जीरो, से जीरो काट दीजिए ये इनका रेशियो आ जाएगा यानी कि एट एस टू सेवन इनका रेशियो आ जाएगा और ये रेशियो इसमें पूछ रहे हैं ठीक है थीके? इस तरीके से हो जाएगा आगे देखते हैं आठ वर्ष पूर्व मनीषा और हर्षिता की आयु में टू इज टू वन का अनुपात था ठीक है सात वर्ष बाद उनकी आयु में फाइव इज टू फोर का अनुपात हो जाएगा इनकी वर्तमान आयु क्या होगी अब देखिए यहाँ पर भी आपको सबसे पहले जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है और आपको ज़रूरत किस चीज़ की है ये आपको सबसे पहले देना देखना है आपको देखना है रेशियो उसके बाद में उसमें जो ईयर दिया है वो कितना दिया है उसका डिफरेंस क्या आ रहा है अभी देखिए ध्यान से यहाँ ये मनीषा है ठीक है ये मनीषा है और दूसरा जो है हर्षिता है ठीक है हर्षिता है जो इनका रेशियो है वो टू एस टू वन है ठीक है और सात वर्ष बाद ध्यान दीजिएगा ये आठ वर्ष पहले की है ये वर्तमान यहाँ कहीं एक लाइन होगी जो कि वर्तमान होगी इनकी एज अगर मान लीजिए तो अगर आपसे कोई बोल दे कि जो है आज, आज आप आठ साल के हैं तो आप जो है छः वर्ष पहले कितने के रहें होंगे तो छः वर्ष पहले आप दो साल के रहे होंगे यही तो हो जाएगा और यदि आज आप जो है दो साल के हैं तो आप छः साल बाद कितने के होंगे तो आठ साल के हो जाएंगे यही तो हो जाएगा ठीक है हम लोग अब ये क्वेश्चन देखते हैं आठ वर्ष पूर्व मनीषा और हर्षिता की आयु में टू इस टू वन का अनुपात था सात वर्ष बाद उनकी आयु में फाइव इस टू फोर का अनुपात हो जाएगा इनकी वर्तमान आयु क्या होगी देखिए दोस्त हम लोग को इसमें सॉल्व करने से पहले ये देखना होता है कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी हुई है ठीक है और आपको पता है कि आपको रेशियो का डिफरेंस देखना है और जो ईयर का डिफरेंस दिया हुआ है वो डिफरेंस देखना है बस अगर इतनी चीज़ें मिल गई तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया ठीक है तो आपको देखना है और आप अपनी तरह सोच लीजिए आप अपने आप को कोई भी क्वेश्चन आप एज का लगाइए अपने आप को आप वर्तमान में रख लीजिए और आपसे पहले जो जी पूछ रहा वो आपको आप देख लीजिएगा आपसे पहले वो पूछ रहा तो क्या होगा आपके एज से बाद का पूछ रहा तो क्या होगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो मनीषा और हर्षिता हैं उनकी जो आयु का रेशियो दिया हुआ है देखिए यहाँ पर ये मनीषा और हर्षिता हैं ये हैं मनीषा ये हैं मनीषा और ये हैं हर्षिता ठीक है अब इनका जो रेशियो दिया हुआ है वो टू टू वन है और यहाँ पर सात साल बाद का तो ये दिया हुआ है फोर ठीक है देखिए ये यहाँ पर कहीं वर्तमान होगा ठीक है प्रेजेंट जो है वो यहाँ कहीं होगा ठीक है तो यहाँ से ये बोला है कि ये आठ साल पहले की है और यहाँ से इसने बोला है कि जो है सात साल बाद की है इनका ये दोनों जोड़ लीजिए कितने साल का डिफरेंस आ रहा है पंद्रह साल का आ गया ना ठीक है अब आपको रेशियो का अंतर देखना है रेशियो का अंतर हमेशा क्या होना चाहिए बराबर अगर बराबर नहीं है तो क्या होना चाहिए हम इनका इनका डिफरेंस लेंगे इनका इनका लेंगे इनके डिफरेंस से इनके डिफरेंस से यहाँ मल्टीप्लाई और इनके डिफरेंस से यहाँ मल्टीप्लाई ठीक है इस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है रेशियो बराबर करना होता है लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ रेशियो बराबर है आप देख सकते हैं आप खुद करिए प्रयास इनका इनका अंतर यहाँ पर तीन का है और इसका भी अंतर यहाँ पर थ्री का है आप देख सकते हैं ठीक है थीके? इसका अंतर थ्री का है एक और चार का अंतर तीन का दो और पाँच का अंतर तीन का और रेशियो का, 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 का अंतर तीन का और क्वेश्चन का अंतर पंद्रह साल का दे रहा है ठीक है तो अब आपको देखना है कि तीन बराबर पंद्रह साल के हो जाएगा ठीक है तो एक बराबर कितने का हो जाएगा जब आप इसे भाग दे देंगे तो एक बराबर पाँच की हो जाएगा ठीक है जब एक बराबर पाँच की हो जाएगा तो पूछ क्या रहा है वर्तमान आयु पूछ रहा है ये देख सकते हैं आप वर्तमान आयु ये सात साल ये सात साल बाद की आयु है और ये आठ साल पहले की है तो हम लोग क्या करते हैं एक निकाल लेंगे उसमें से अगर पहले के निकालेंगे तो उसमें आठ जोड़ देंगे और अगर बाद के निकालेंगे वर्तमान आने के लिए सात माइनस कर देंगे ठीक है अब देखिए एक बराबर पाँच किया गया था पाँच पच्चे पच्चीस हो जाएगा सात साल पहले किया और यहाँ पर अगर करेंगे तो पाँच सौ के बीस हो जाएगा ठीक है लेकिन ये देखना है कि ये जो एज आई है सात साल बाद की है तो इसमें से हमें वर्तमान आने के लिए सात इसमें से माइनस करना होगा जब सात हम माइनस कर देंगे तो यहाँ से हम लोग अट्ठाई आथा, ये अठारह हो जाएगी और इसमें जब सात माइनस करेंगे तो ये तेरह वर्ष हो जाएगा इसका आंसर अठारह और तेरह वर्ष आ जाएगी वर्तमान आए इन दोनों लोग की ठीक है इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है कहीं ना समझ में आया हो आप कमेंट करिएगा मैं दोबारा से ये क्वेश्चन आपको समझाऊंगा ठीक है चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संगीता और उसकी पुत्री की औसत आयु सोलह वर्ष है उनकी आयु का क्रमशः अनुपात सात अनुपात एक है संगीता की आयु कितनी है ठीक है देखिए एवरेज क्या होता है मान लीजिए आपके घर में तीन लोग हैं ठीक मैं एक बार एवरेज आपको समझा देता हूँ तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा मान लीजिए आपके घर में तीन लोग हैं ठीक है भाई तीन लोग हैं और आप मार्केट से पंद्रह आम ले आए ठीक है एक लोग को छः आम मिल गया और एक लोग को पाँच आम मिल गया तो छः पाँच ग्यारह आम हो गया अब एक लोग को चार आम मिल गया पंद्रह आम हो गया अब आपसे आपको अब एवरेज निकालना है कि पर व्यक्ति एवरेज कितना आएगा तो आपको करना क्या होता है जो पंद्रह आम हैं वो जो तीन लोग को मिले हैं उन तीनों से पंद्रह को डिवाइड कर दीजिए मान लीजिए पंद्रह आम थे एक को मिला था ग्यारह एक को मिला था पाँच एक को मिला था चार पंद्रह आम हो गया लेकिन अब आप इसको एवरेज में निकालना चाह रहे हैं तो जो तीनों लोग को मिला है आम एक लोग दो लोग तीन लोग ठीक है ये तीन लोग हो गए इन तीनों से जो टोटल आम है उसको डिवाइड कर दीजिए तीन तो पाँच ठीक है यानी कि एवरेज जो आएगा वो पंद पाँच आएगा तो इस तरीके से एवरेज होता है ठीक है मान लीजिए अब आप, आप जैसे मान लीजिए एक एक लोग का जो एवरेज आया वो पाँच आ गया अब अगर आपसे पूछ ले जाए कि एक काम करिए ऐसा बताइए भाई कि जो है तो टोटल बताइए कितने आम थे तो आप एक काम करिए जो जितने से भाग दिया था तीन से मल्टी तीन लोग से मल्टीप्लाई कर दीजिए पाँच को मतलब एवरेज का मतलब होता है कि एक लोग को पाँच आम आया ठीक है तो तीन से मल्टीप्लाई करिए फिर पंद्रह आ जाएगा तो वैसे ही ये एवरेज दिया हुआ है ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है नहीं समझ में आ रहा है मैंने जैसे बताया है उसी तरीके से आप ऐसे ही लगाने का फिर प्रयास करिए खुद समझिए समझ में आ जाएगा ठीक है एवरेज होता है किसी चीज़ को बराबर बराबर चीज़ में बराबर व्यक्तियों में बांटना इसी को ही एवरेज बोलते हैं ठीक है देखिए दो लोग की बात कर रहे हैं ये देखिए दो लोग की बात कर रहा है ये रहा है। और यहाँ पे इसका मतलब दो लोग का होगा एवरेज ये तो ये बत्तीस हो जाएगा इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दो से तो ये हो जाएगा बत्तीस ये हो जाएगा ना अभी मैंने आपको बताया था आपके ऊपर ही मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है अब उसको सोचिए बहुत ध्यान से बैठ के आ जाएगा एकदम आ जाएगा ठीक है और एक क्वेश्चन आप ही कर लेंगे क्वेश्चन का जो टोटल है वो बत्तीस हो जाएगा और रेशियो का टोटल आठ हो जाएगा यानी कि आठ बराबर जो है वो बत्तीस की हो जाएगा और एक बराबर जो है वो चार की आ जाएगा ये ध्यान दीजिएगा ठीक है जब एक बराबर चार के आएगा तो यहाँ से सात से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक लोग का अट्ठाईस वर्ष हो जाएगा और दूसरे लोग का चार वर्ष आएगा संगीता की आयु पूछ रहा है तो संगीता सात है तो अट्ठाईस आएगा इसका आंसर ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एस और उसके पुत्र तो की वर्तमान आयु का अनुपात है पाँच और दो यानी कि पाँच पाँच है दो है यानी कि ये एस हैं और ये उनका सन है ये पाँच हैं और ये दो हैं अब ये कह रहा है कि उनका गुणनफल छः सौ चालीस वर्ष है तो दस वर्ष बाद एसबीर की आयु कितनी हो जाएगी अब यहाँ पर दोस्त आपको एक्स मानना ही पड़ेगा अगर आप एक्स नहीं मानेंगे तो आपका क्वेश्चन बन नहीं पाएगा इसलिए जो है और अभी मैं बता रहा हूँ एक्स मानेंगे आप बहुत आसानी से फिर भी हो जाएगा क्वेश्चन आपका वाई हो गया ये सन हो गया ये फाइव एक्स हो जाएगा और ये टू एक्स हो जाएगा ठीक है देखिए यहाँ पर ये उनके दोनों लोग के एज का गुणनफल है भाई यहाँ पर जो रेशियो दिया हुआ है ये भी तो उनके एज का ही रेशियो दिया हुआ है तो भाई आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए इसके बराबर इसको कर दीजिए क्या दिक्कत आ रही है कि नहीं कर लेते हैं हम लोग अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं पाँच दो नहीं दस हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर टेन एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये ध्यान दीजिएगा हो गया अब जब यहाँ पर टेन एक्स स्क्वायर हो गया तो ये बराबर छः सौ चालीस के हो जाएगा ठीक है अब जो ये छः सौ चालीस के बराबर हो ही गया है थोड़ा सा थोड़ा सा रुक जाइए बस यहाँ पर ये टेन हो जाएगा और ये एक्स हो जाएगा बराबर छः सौ चालीस हो जाएगा जब हम इधर लाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये छः सौ चालीस डिवाइड बाई टेन हो जाएगा ये कट जाएगा ठीक है यानी कि एक्स ओ, एक्स स्क्वायर बराबर सिक्सटी फोर आ जाएगा ये देखो ध्यान से या आ गया तो नहीं एक्स बराबर आप तो समझ गए होंगे कितना आएगा आठ आ जाएगा जब आठ आ जाएगा तो आठ पच्चीस चालीस हो जाएगा ये देखिए इसका मल्टीप्लाई आप इसी यहाँ कर लीजिए जब एक बराबर आठ आ गया है तो सब मिल अब आपको आठ पाँच चालीस एक चालीस हो जाएंगे और दूसरे लोग सोलह हो जाएंगे तो इसका ये दोनों आंसर हो जाएगा ठीक है नहीं सॉरी ये आंसर नहीं होगा इसका क्योंकि ये पूछ रहा है तो दस वर्ष बाद की पूछ रहा है तो भाई दस वर्ष की बात कुछ नहीं जिसमें दस जोड़ दो इसमें भी दस जोड़ दो एक छब्बीस साल हो जाएगा और एक पचास साल हो जाएगा एसबीर की एज जो है वो पचास साल हो जाएगी और जो उनका पुत्र है उनके छब्बीस साल हो जाएगी तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं ठीक है दोस्तों आज इतना ही और यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें शेयर करें और दोस्तों कमेंट भी करिए साथ ही साथ आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को जिससे कि आपको इसका बेनिफिट मिल सके आगे जो भी हमारी वीडियोज़ आएंगी उसके लिए जो है तो दोस्तों आज इतना ही जय हिंद जय भारत